स्थित मीनाक्षी हॉस्पिटल पे वहाँ तीन लड़के आए और उन्होंने कुछ राउंड फायर किए हैं। हालांकि इस मामले में किसी को कोई व्यक्ति इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सूचना पर हमारी टीमें वहाँ पर तुरंत पहुँची और उन्हें आज जो भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे स्थिति का जायजा लिया। ये पाया गया कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर तीन लड़के आए थे और उनके हाथ में हथियार थे जिन्होंने फायर वहाँ पर किए हैं और उसके बाद वापस चले गए। इसके साथ ही इस मामले में पिछले साल भी मीनाक्षी हॉस्पिटल के जो हैं ओनर उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और वो मामला अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। तो उस मामले से भी हम इसको जोड़ करके देख रहे हैं कि इसकी हो सकता है जो व्यक्ति उस टाइम संलिप्त रहे हो उनके या उनके जो भी जो साथ में साथी हैं उनकी इसमें भूमिका हो सकती है, वो भी हम देख रहे हैं। साथ ही ये कोई फेसबुक पोस्ट भी किसी व्यक्ति के द्वारा डाली गई है उसकी भी हम जाँच कर रहे हैं। देखिए, जो एक दिलेर कोटिया नाम का जो व्यक्ति है जो अपना आपको बताता है कि बाहर रह रहा है और उसने ये करवाया है, उस फेसबुक अकाउंट की भी हम जांच करवा रहे हैं और साथ ही दिलेर कोटिया जो इसका नाम पिछले वाले मुकदमे में भी नाम सामने आया था उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। सभी जितने भी हमारे जो करनाल वासी हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि कोई इस प्रकार की कॉल भी आती है तुरंत पुलिस को सूचना दे, किसी प्रकार से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। जिला पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी लोग हैं वो अपने निर्भय होकर के अपना काम, ये बात भी मेरे सामने आई है। लेकिन मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यदि किसी से भी डरने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिला पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव। जी, सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिली है और उसके आधार पर हम जांच। गोलियां पिस्टल से चलाई है या रिवॉल्वर या कोई? देखिए, हथियार से गोलियां चलाई गई है, कौन सा हथियार एक्चुअल में यूज हुआ है वो एफएसएल की टीम भी मौके पर वहां पर गई है और सीसीटीवी फुटेज इस मामले में हमें मिल चुकी है। तो उसके आधार पर हम और जो आसपास के लोगों ने जो सूचनाएं दी है जो बातें बताई है उसके आधार पर फायरिंग की बताया जा रहा है। देखिए, 10-12 के आसपास जो राउंड है वो फायर किए थे, फिर भी एफएसएल की टीम है वो भी मौके पर फैलाना कहीं ना कहीं सर लग रहा है। देखिए, प्रारंभिक जो जांच में उद्देश्य यही लग रहा है, फिर भी हमने जो वहाँ पर हॉस्पिटल के जो ओनर है उनकी सुरक्षा हम ये सुनिश्चित करेंगे, वहाँ पर जो भी एडिक्वेट सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है वो भी किए। असन के व्यापारियों से डॉक्टर से कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि डर जाते हैं लोग? नहीं, उन सभी जो भी असंधवासी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये करनाल पुलिस और साथ में असंध की जो लोकल पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि पूर्णतया एक जो है अच्छा सुरक्षा का माहौल रहे और जिला पुलिस भी लगातार उसमें जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उनको तत्परता से अरेस्ट करना सुनिश्चित करेगी।